भदोही आईना और बथुरा काली बहन। एक समय की बात है, गंगापुर गांव में अर्चना नाम की एक लड़की अपनी माँ शांति और अपने भैया और भाभी के साथ रहा करती थी। वैसे तो अर्चना एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी और वो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन अर्चना दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काली थी, जिसकी वजह से आज तक उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया था। और जो कोई भी अर्चना को देखने के लिए उसके घर आता था, वह भी अर्चना का चेहरा देखकर वहाँ से चला जाता था, जिस वजह से अर्चना की भाभी रूपवती उसे हमेशा ताने मारा करती थी और उसे बुरा भला कहा करती थी। ऐसे ही आज भी देख लिया ना जी आपने, आज इसके मनहूस चेहरे की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे आज तक तो यही होता आया है, जो भी कोई रिश्ता लेकर आता है इसका चेहरा देखकर उल्टे पांव वापस भाग जाता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुम्हारी बहन पैदा हुई होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा रूपवती, मुझे भी बस इसी बात का अफसोस है कि मैं इसका भाई हूँ। अरे इसकी वजह से मैं समाज में सर उठाकर भी नहीं चल सकता। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है कि मैं अभी तक अपनी बहन की शादी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसकी वजह से हमारी कितनी बार नाक कट चुकी है। अपने बेटे और बहू की ऐसी बातें सुनकर शांति कहती है, अरे अब बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों कब से मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो? अरे इन सब में उस बेचारी बच्ची का क्या दोष है? वो तो भगवान ने उसे ऐसा बनाकर भेजा है, वरना तो मेरी बेटी के अंदर गुणों की कोई कमी नहीं है। और ये बात तुम्हारी पत्नी से अच्छा और कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि घर के सारे काम तो मेरी बेटी अर्चना ही करती है ना। फिर चाहे वो खाना बनाना हो या फिर बाहर का कोई और दूसरा काम हो। बस करिए माँ जी, माँ बस करिए, भैया भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी वजह से इन लोगों को सबके सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश अगर मैं होती ही नहीं तो शायद आप लोगों को ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। अर्चना बेटी ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे तू तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है मेरी बेटी, इसलिए आज के बाद खबरदार जो तूने ऐसी बातें की। तो और गोपाल तू, और अगर आज के बाद तूने और तेरी पत्नी ने मेरी बेटी के बारे में अगर एक भी शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? अरे माँ जी आपको क्या पता, कल को जब इससे कोई शादी नहीं करेगा तो क्या ये जिंदगी भर हमारे सर पर ही बैठी रहेगी? क्योंकि इसकी शक्ल देखकर मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई शादी करेगा, और हमें भी तो अपना परिवार देखना है, हम जिंदगी भर इसके पीछे तो नहीं लगे रह सकते हैं ना। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर अर्चना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, और कुछ देर पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली जाती है। और अगली सुबह जब अर्चना नहा कर आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में टंगा हुआ शीशा वहाँ से गायब होता है। इसलिए जब वो बाहर जाकर इस बारे में अपनी माँ और भाभी से पूछती है तो उसी समय उसकी भाभी कहती है, अरे माँ जी से क्या पूछ रही हो, तुम्हारे कमरे का शीशा मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे कमरे का शीशा कल रात ही टूट गया था, इसलिए मैंने तेरे कमरे का शीशा अपने कमरे में लगा लिया। वैसे भी तुझे शीशे की क्या जरूरत है, कौन सा तू हूर की परी दिखती है। रूपवती तो फिर से शुरू हो गई। अरे ये जो तू मेरी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और एक दिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपनी भाभी की हरकत की वजह से अर्चना एक बार फिर से दुखी हो जाती है। उसी समय शांति कहती है, बेटी अर्चना तू परेशान मत हो, ऐसा कर ये ले पैसे और बाजार जाकर अपने लिए एक सुंदर सा शीशा लेकर आ जा। और वो पैसे लेकर अर्चना बाजार की ओर शीशा खरीदने के लिए चल देती है। उसी समय अर्चना रास्ते में सोचती है, वैसे भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, मैं आखिर शीशा देखकर क्या ही करूँगी, मेरा ये बदसूरत रूप कौन सा शीशा देखने से सुंदर हो जाएगा, खामखा में माँ के पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा। इतना कहकर अर्चना दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और अर्चना से कहती है, अरे बेटी मेरी मदद करो,
मेरा पोता कई दिनों से घर पर बीमार पड़ा है। मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और न ही कोई मेरी मदद कर रहा है। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो बेटी, जिससे मैं अपने पोते के लिए दवाइयाँ खरीद सकूं। चिंता मत करिए अम्मा, आपके पोते को कुछ नहीं होगा, लेकिन इस समय तो मेरे पास आपको देने के लिए बस यही पैसे हैं जो मेरी माँ ने मुझे शीशा खरीदने के लिए दिया था। ये लीजिए अम्मा, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और हाँ, तुम्हें शीशा चाहिए था ना? इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत अपनी पोटली में से एक पुराना शीशा बाहर निकालती है और अर्चना को देते हुए कहती है, ये लो बेटी, ये बहुत पुराने समय का शीशा है जो मुझे एक जादूगरनी ने दिया था, लेकिन आज तक मैंने इस शीशे को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन लगता है आज इसका इस्तेमाल एक सही जगह होगा, इसलिए आज से ये शीशा तुम्हारा हुआ बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इतना कहकर अर्चना वो पुराना शीशा अपने घर ले आती है और उसे अच्छे से साफ करके अपने कमरे में लगा देती है। और अगली सुबह अर्चना जैसे ही नहा कर आती है और उस शीशे में अपना चेहरा देखती है, वैसे ही उस शीशे में से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते अर्चना दूध की तरह गोरी और सुंदर दिखने लगती है। और ये सब होता देखकर अर्चना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है, मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी। अर्चना के इतना कहते ही उस जादुई शीशे में से एक आवाज आती है, घबराओ मत अर्चना, मैं एक जादुई शीशा हूँ, इसलिए जब तुमने मुझ में अपना चेहरा देखा तो तुम्हारी मन की सुंदरता तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देने लगी, क्योंकि तुम्हारा मन भी तुम्हारे चेहरे की तरह ही साफ और सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई शीशे। माँ इधर आइए, माँ देखिए आपकी बेटी कितनी सुंदर हो गई है। अर्चना की आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आते हैं और अर्चना को इतना सुंदर लगता देखकर शांति कहती है, अरे बेटी ये क्या, तू अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तेरा रंग तो एकदम दूध की तरह गोरा हो गया। अपनी माँ की ये बात सुनकर अर्चना उन्हें जादुई शीशे के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद शांति कहती है, अच्छा तो ये बात है, इस जादुई शीशे की वजह से तुम्हारी काया एकदम से बदल गई बेटी और तुम इतनी सुंदर दिखने लगी हो। चलो शुक्र है, अब मुझे इसके लिए रिश्ता ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इतना बोलकर कुछ ही दिनों में अर्चना का रिश्ता एक बहुत ही बड़े घर में तय हो जाता है। लेकिन अपनी नंद का रिश्ता इतने बड़े घर में होता देख उसकी भाभी रूपवती को उससे बहुत ही ज्यादा जलन होती है और वो कहती है, अरे उस जादुई शीशे की वजह से उस मनहूस का चेहरा इतना सुंदर हो गया और आज इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने जा रहा है, चलो मैं भी एक बार उस शीशे में अपना चेहरा देखकर देखती हूँ, शायद मैं उस अर्चना से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूं और फिर शादी में हर किसी की नज़र सिर्फ मुझ पर ही होगी। इतना बोलकर शादी वाले दिन अर्चना मंडप में तैयार होकर बैठी होती है, उसी समय रूपपति अर्चना के कमरे में जाकर उस जादुई शीशे में अपना चेहरा देखती है, लेकिन उसके ऐसा करते ही उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा काला और बदसूरत हो जाता है। ये देखकर रूपपति जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरा सुंदर सा चेहरा अचानक इतना बदसूरत कैसे हो गया। उसी समय उस जादुई शीशे में से एक आवाज आती है, तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारा मन बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह ही काला और बदसूरत है जो आज तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रहा है, क्योंकि तुमने आज तक बस दूसरों का मजाक उड़ाया है और उन्हें भला बुरा कहा है, इसलिए आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है और अब तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें इसी चेहरे के साथ अपना जीवन गुजारना होगा। उस जादुई शीशे की बात सुनकर रूपपति फूट फूट कर रोने लगती है और जब उसके रोने की आवाज सुनकर सभी लोग अर्चना के कमरे में आते हैं तो वे लोग रूपपति का ऐसा चेहरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी समय अर्चना कहती है, अरे भाभी ये आपके चेहरे को क्या हुआ,
कहीं आपने इस जादुई शीशे में अपना चेहरा तो नहीं देख लिया ना? क्योंकि ये जादुई शीशा लोगों के मन के अनुसार ही उसका रंग रूप बदलता है। मैंने कहा था ना बहू, अपने मन में दूसरों के लिए इतनी करवाहट मत भर। आज वही करवाहट और वही कालापन तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक हमेशा अर्चना को कितना बुरा भला कहा और उसके चेहरे को लेकर हमेशा उसका मजाक उड़ाया, और शायद आज भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। लेकिन मुझे अब सब समझ में आ गया है माँ जी, इंसान की ऊपरी सुंदरता से ज्यादा उसके मन की सुंदरता मायने रखती है, इसलिए इंसान को कभी भी अपनी ऊपरी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना उसका भी यही अंजाम होता है जो आज मेरा हुआ है। और इस तरह से रूपवती को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और फिर वो बड़ी ही धूमधाम से अपनी नंद अर्चना की शादी करती है और उसे खुशी खुशी उसके ससुराल विदा करती है, और फिर अपनी सास और पति के साथ अपने उसी चेहरे के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। जादुई आइसक्रीम का अनोखा पेड़। एक समय की बात है, राधेपुर गांव में पार्वती अपने दो बच्चे बिक्की और बबली के साथ रहा करती थी। पार्वती का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि पार्वती के पति के देहांत के बाद उसके घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, और इसी वजह से अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो गांव के कई बड़े घरों में काम किया करती थी और उसी से ही उसके घर का गुजारा चला करता था, और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन जब पार्वती अपने काम पर जा रही होती है, उसी समय बबली कहती है, माँ क्या आज आप शाम को घर आते समय मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेती आओगी, क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ, मुझे भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा, और आपने भी तो मुझसे कल कहा था कि आप हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओगी। हाँ बच्चों, आज मैं पक्का तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मुझे काम पर से पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम लेकर जरूर आऊंगी। आप सच कह रही हो माँ? फिर तो आज बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगी। अरे तुम इतनी सारी आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हें जुखाम हो जाएगा। नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बस जी भर के आइसक्रीम खाऊंगी। अरे अरे अब तुम दोनों बस भी करो, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खा लेना। इतना कहकर पार्वती अपने काम पर चली जाती है, और काम करते करते पार्वती को शाम हो जाती है, और जब शाम के समय पार्वती अपने महीने के पैसे लेकर घर वापस आ रही होती है, तो वो सोचती है, अरे आज तो काम करते करते समय का पता ही नहीं चला, कितनी देर हो गई है, बच्चे भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, चलो जल्दी से जाकर घर का राशन और बच्चों के लिए उसकी मनपसंद आइसक्रीम खरीद लेती हूँ। वैसे भी कितने दिनों से मेरे बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए तरस रहे हैं, और आज जब आइसक्रीम खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। इतना कहकर पार्वती जैसे ही आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम लेने जा रही होती है, उसी समय एक चोर आकर पार्वती के सारे पैसे छीन कर भाग जाता है, और पार्वती काफी देर तक उसका पीछा करती है, लेकिन वो चोर पार्वती के हाथ नहीं आता, और पार्वती फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कोई तो उस चोर को पकड़ो, वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी। इतना कहकर पार्वती जोर जोर से रो रही होती है, तभी वहाँ पर एक औरत आती है और पार्वती से कहती है, रो मत बहन, रोने से कोई फायदा नहीं होगा, ये तो इन लोगों का रोज का ही काम हो गया है, दिन दहाड़े चोरी करना, ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और ना ही पुलिस वाले इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, इसलिए आजकल दिन हो या रात रोड पर चलना ही दुश्वार कर दिया है इन लोगों ने। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसी समय पार्वती कहती है, मेरी तो पूरे महीने की कमाई चली गई, अब मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी, मुझे तो बस इन्हीं पैसों का सहारा था, अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, अब मैं अपने बच्चों के लिए उनकी मनपसंद आइसक्रीम कैसे ले जा पाऊंगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आज मैं बच्चों से क्या कहूंगी कि उनकी माँ
उन लोगों को एक आइसक्रीम तक नहीं खिला सकती है। क्या मुँह लेकर जाऊंगी आज घर पर? इतना कहकर पार्वती रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वही पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी और जब वो पार्वती को रोते हुए देखती है तो उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं अम्मा, अब तो मेरा सब कुछ लुट गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इतना कहकर पार्वती उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानी बता देती है। उसी समय वो बूढ़ी औरत कहती है, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूँ, तुम इस बीज को ले जाकर अपने आंगन में बो देना और इसे बोते समय तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगी, ये जादुई बीज उसी चीज का वहाँ पर एक जादुई अनोखा पेड़ उगा देगा। अम्मा, क्या आप सच कह रही हो अम्मा? क्योंकि मुझे तो बस अपने बच्चों को उनकी मनपसंद की आइसक्रीम खिलानी थी। तुम चिंता मत करो बेटी, तुमने जो सोचा है वैसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके वो जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने आंगन में वो जादुई बीज बो देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे कहते हैं, माँ, क्या सच में हमारे आंगन में आइसक्रीम का पेड़ उगेगा? हाँ बेटा, उन बूढ़ी अम्मा ने कहा तो कुछ ऐसा ही था। माँ, अगर सच में हमारे आंगन में आइसक्रीम का पेड़ उग जाएगा तो कितना मजा आएगा ना? फिर तो मैं रोज अपनी मनपसंद की आइसक्रीम तोड़ कर खाया करूँगी और अपने दोस्तों को भी खिलाया करूँगी। हाँ बबली, तुम अपने दोस्तों को भी ढेर सारी आइसक्रीम खिलाना, बस हमें सुबह तक थोड़ा इंतजार करना होगा। इतना कहकर वे लोग रात में सो जाते हैं और अगली सुबह बिक्की और बबली जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने आंगन में आइसक्रीम का पेड़ देखना था। इसलिए जब ये लोग सुबह जल्दी उठकर अपने आंगन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आंगन में एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उनके ऊपर ढेर सारे फ्लेवर के अलग अलग आइसक्रीम भी लगी हुई है। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहते हैं, माँ जल्दी बाहर आइए, देखिए आंगन में आइसक्रीम का कितना बड़ा पेड़ लगा है। बिक्की की आवाज सुनकर जब पार्वती बाहर आती है और अपने आंगन में आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है, और आसपास के बच्चे भी पार्वती के आंगन में आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ देखते हैं तो सारे बच्चे भी पार्वती के आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय पार्वती कहती है, अरे बच्चों, ये लो, तुम सब आइसक्रीम खाओ, जितना मन करे उतनी आइसक्रीम खाओ। इतना कहकर पार्वती सभी बच्चों को आइसक्रीम तोड़कर देती है, जिसके बाद गांव के सभी बच्चे पार्वती के आंगन में से आइसक्रीम तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन जब ये बात गांव के दूसरे आइसक्रीम के दुकानदारों को पता चलती है तो वो कहते हैं, अरे भाई लोग, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी दुकानों पे ताला लग जाएगा। इसलिए हमें इस पार्वती का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये हम लोगों का सारा धंधा चौपट कर देगी। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, जब बच्चों को फ्री में ही आइसक्रीम मिल जाएगी तो हम लोगों की दुकानों से आइसक्रीम कौन खरीदेगा। इसलिए हम लोगों को आज रात ही पार्वती के आंगन में से वह आइसक्रीम का पेड़ काटना होगा, फिर ना रहेगी आइसक्रीम का पेड़ और ना ही फ्री में बटेगी आइसक्रीम। इतना कहकर सभी दुकानदार मिलकर पार्वती के आंगन में से आइसक्रीम का पेड़ काटने का प्लान बनाते हैं। और जब रात के समय पार्वती अपने बच्चों के साथ सो रही थी, उसी समय वे सारे दुकानदार चोरी चुपके पार्वती के आंगन में घुस जाते हैं और वो जादुई आइसक्रीम का पेड़ काटने की कोशिश करते हैं। उसी समय उन लोगों को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से एक आवाज आती है, तुम सब लालची और बेईमान इंसान हो, इसलिए जब तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हें बिजली का जोरदार झटका लगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग किसी और चीज को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग खुद ही बर्बाद हो जाओगे।
इसलिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो, ना कि किसी और की मेहनत को बर्बाद करने की सोचो, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर वे सारे दुकानदार वहाँ से उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। और उस दिन के बाद से पार्वती जादुई आइसक्रीम के पेड़ की मदद से गांव में ही अपनी एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की दुकान खोलती है, जिसमें वो गांव के कई गरीब लोगों को रोजगार देती है और गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में स्कूल बनवाती है। इसी तरह पार्वती जादुई आइसक्रीम के पेड़ की मदद से अपने और अपने गांव वालों की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देती है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। अनाथ बच्ची और जादुई जलपरी, ये कहानी वर्षा नाम की एक लड़की की है। वर्षा जब 5 साल की थी तभी वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गई हुई थी, लेकिन मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से वर्षा का हाथ अपने माता पिता से छूट जाता है और वह एक दुकान के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय बिमला नाम की एक चालाक और लालची किस्म की औरत की नज़र वर्षा पर पड़ती है और वह उसे अपने बातों में बहला फुसला कर अपने गांव ले आती है। लेकिन शुरू शुरू में तो बिमला वर्षा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वर्षा बड़ी होती गई, बिमला उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उसे अपने घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है और छोटी छोटी बात पर उसे बहुत मारती पीटती भी है। ऐसे ही आज भी। अरे वर्षा, कहाँ मर गयी, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मौसी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे सारे गंदे कपड़े धो दियो, लेकिन तू यहाँ मेरे कपड़े धोने की बजाय अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही है। नहीं नहीं मौसी, वो खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, बस उसी पर दवाई लगाने के लिए कमरे में गई थी। अरे हाथ जला ही तो है, टूटा तो नहीं? तुझे तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर बिमला वर्षा को बहुत मारती है। मौसी छोड़ दीजिए, मौसी मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ, प्लीज मौसी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने पर, जब तक 2-3 डंडे खा नहीं लेती तब तक तेरे काम में मन नहीं लगता। उसी समय बिमला का पति वीरेंद्र वहाँ पर आता है और कहता है, अरे बिमला बस भी करो, ऐसे किसी लवारिस बच्ची को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी तुम पहले ही इसे उसके गांव से उठाकर लाने की गलती कर चुकी हो, लेकिन अब इसे इस तरह से इसे परेशान करके अपनी गलतियों का घड़ा और मत भरो, क्योंकि किसी दिन इसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया ना, तो पता नहीं तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे तुम तो अपना मुँह बंद ही रखो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो, इसलिए जाओ और चुपचाप से खाना खा लो, और तू जाकर जल्दी से सारे कपड़े धो, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी। और इसी तरह बिमला वर्षा पर हमेशा अत्याचार किया करती थी, उसे ना तो पेट भर खाना देती थी बल्कि उसे बात बात पर बहुत मारा भी करती थी। इसलिए वर्षा हमेशा अपने माता पिता को याद करके बहुत रोया करती थी। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मौसी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। तभी वहाँ पर बिमला आ जाती है और कहती है, अरे बंद कर अपना ये रोना धोना और काम पर ध्यान दे, जल्दी से ये सारे कपड़े धो और फिर बाजार जाकर सब्जियाँ ले आ। मौसी हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए कपड़े धोने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी कपड़े कैसे धो पाऊंगी? क्यों, खाना खाने के लिए तो बड़े जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, और काम करने के लिए कह दो तो महारानी के हाथों में दर्द हो जाता है, इसलिए अब जल्दी से काम खत्म कर और बाजार जा, वरना फिर से मुझे अपना डंडा उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं मौसी, मैं कर रही हूँ। इतना कहकर वर्षा हाथों में चोट होने के बावजूद भी सारे कपड़े धोती है और फिर सब्जियां लेने बाजार भी जाती है, लेकिन बाजार से वापस आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसी नदी के सामने अचानक से वर्षा का सब्जियों का थैला फट जाता है
और सारी सब्जियां नदी में गिरकर बह जाती है। ये देखकर वर्षा बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मौसी तो मुझे बहुत मारेगी क्योंकि सारी सब्जियां तो नदी में गिर गई है। अब ऐसे में मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर वर्षा नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब उस आवाज को सुनकर वर्षा नदी में ध्यान से देखती है तो उसे नदी के अंदर एक जल परी दिखाई देती है जो मछुआरों के लगाए जाल में फंसी होती है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मछुआरा मुझे अपने जाल में फंसा कर ले जाएगा और मुझे महंगे दाम में बाजार में बेच देगा। इसलिए प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मेरी मदद करो। अरे आप कौन हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर वर्षा मछुआरों के लगाए जाल को बीच में से काट देती है जिससे वो जलपरी आजाद हो जाती है और वो वर्षा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम बताया ही नहीं। वर्षा, मैं एक जादुई जलपरी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, अगर आप एक जादुई जलपरी हैं, तो आप इस तरह से मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? क्योंकि वर्षा, अपनी जादुई शक्तियों का अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। इसलिए आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जलपरी जी, मुझे तो बस अपने माता पिता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं वे लोग कैसे होंगे, मुझे बस अपने माता पिता से मिलवा दीजिए। जलपरी जी, तुम चिंता मत करो वर्षा, तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। तुम अपनी मौसी को किसी न किसी बहाने से फिर से उसी मेले में ले जाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता उसी मेले में मिलेंगे और वे लोग भी तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से वर्षा की सब्जियां वापस ले आती है जिसे लेकर वर्षा अपने घर चली जाती है और जलपरी के कहे अनुसार वो बिमला से कहती है, मौसी, जिस मेले से आप मुझे उठाकर लाई थी उसी मेले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। मुझे कल एक परी मिली थी और उसी ने मुझे ये सब बताया है, इसलिए मुझे तो लगता है हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। क्या तू सच कह रही है? लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मौसी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है, हम अभी तेरे गांव चलते हैं। सुनिए जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी वर्षा के गांव चलना होगा। अरे अब तुम भी क्या इस बच्ची के बातों में आ रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो जी, एक बार चलकर देखने में क्या ही हर्ज है, और अगर कहीं ये बात सच हुई तो सोचो हम लोग कितना मालामाल हो जाएंगे। इतना कहकर विमला अपने पति और वर्षा को लेकर उसके गाँव चली जाती है और उस दिन भी वही मेला लगा हुआ था जिस मेले से वर्षा गायब हुई थी। मौसी चलो ना अंदर चलकर देखते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, वरना वो खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। इतना कहकर वर्षा जैसे ही मेले के अंदर घुसती है वैसे ही उसे सामने अपने माता पिता खड़े दिखाई देते हैं और जैसे ही उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है, क्योंकि वो भी कितने सालों से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे ही वर्षा उन्हें देखती है वैसे ही वो भागकर उनके गले लग जाती है और ये सब देखकर बिमला के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ थे? आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया, और ये औरत मुझे अपने बातों में बहला फुसला कर अपने घर ले गई और मुझ पे बहुत अत्याचार किया। माँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रख पाई, तुझे ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकती रही, लेकिन तेरा कहीं कोई आता पता नहीं चला मेरी बेटी। लेकिन कल रात सपनों में एक परी ने आकर मुझे तेरे बारे में बताया,
तो बस इसलिए हम इस मेले में चले आए। उस परी का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। इसका मतलब ये सब तेरी एक चाल थी? तू मुझे यहाँ बेवकूफ बना कर लाई है। रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बचोगी तो तुम नहीं। आज तुमने एक माँ बाप से उसके बच्चे को अलग करने का पाप किया है, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस औरत को, इसने ही मेरी बच्ची के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह बिमला को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है और उस जादुई जलपरी की मदद से वर्षा को अपने माता पिता वापस मिल जाते हैं और वही बिमला को उसके किए की सजा मिल जाती है।